अद्वैत को कैसे जिया है इस देश ने, पेड़ पौधों की पूजा, बट का वृक्ष, पीपल का वृक्ष, केले के पत्ते, अभी अभी हमने नारियल प्रदान किया, अर्थ क्या है, इनको भी पूजो, इनमें भी तो वही चेतना है। और नदियां हमारे लिए बहती हुई जलवाहक आए नहीं है, उनमें भी तो वही है, गंगा सिंधु कावेरी यमुना चा सरस्वती रेवा महानदी गोदा ब्रह्मपुत्र प्रणातमान, माताएं हमारी नर्मदा मैया गंगा मैया, क्यों पूजा हमने, उसी भाव को हमने देखा। अभी गोवर्धन पर्वत की बात आई थी, हिमालय हो सतपुड़ा हो विंध्याचल हो, उनमें भी वही है। और धीरे धीरे जब ये चेतना बढ़ती है तो हर जगह वही तो दिखाई देता है, पेड़ हो पौधे हो नदियों पर्वत पहाड़ों में ग्रह नक्षत्र तारों में, एक ही सत्ता के दर्शन होते हैं, मैं नहीं केवल तू। और जब यह भाव दृढ़मूल होता है और मन में यह विचार बैठ जाता है, आत्मसात हो जाता है कि मेरी कोई सत्ता नहीं है, वही है और वही मैं हूं, वो क्या उठता सो अहम अहम ब्रह्मास्मि, मैं वही हूं और मैं भी वही हूं, तू भी वही है, तो मुझ में और तुझ में भेद कैसा, और फिर सारे उठापटक शांत हो जाते हैं, द्वैत मिट जाता है, फिर मनुष्य उसको जान लेता है जिसको जानने के बाद कुछ भी जानना शेष नहीं रह जाता। यही तो अद्वैत है। और मैं सच बताऊं, मैंने हम सब इसके रोज दर्शन करने की कोशिश करें,